छठ पूजा के पहले ब्लॉग में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं मनीष अमन और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल मनीष लाइव। तो आज के ब्लॉग में हम कवर करने जा रहे हैं छठ पूजा, जो पूरे बिहार और यूपी का सबसे प्रसिद्ध पर्व है। पर्व नहीं, एक महापर्व का रूप ले चुका है, क्योंकि इसे मनाने वाले पूरे वर्ल्ड में चारों तरफ बसे हुए हैं, बड़े ही अच्छे तरीके से इसको मनाते हैं। ये पर्व काफ़ी ही दिल को संतुष्टि देने वाला पर्व है, खासकर यूपी बिहार के लोगों के लिए। तो ये पर्व सूर्य को समर्पित है। इस पर्व में डूबते हुए सूरज की पूजा किया जाता है और उगते हुए सूरज की पूजा किया जाता है। पूजा में जो भी सामग्री यूज किया जाता है वो प्राकृतिक चीज़ों को रखा गया है। इससे आपको अपनी प्रकृति से जुड़ने का मौका मिलता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग काफ़ी पसंद आने वाला है। तो आइए चलते हैं। छठ एक महापर्व है, खासकर बिहार और यूपी वालों के लिए। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि हर कोई घर जा सके, शहर क्या आप विदेशों में भी छठ मनाने लगे। तो हमारे सोसाइटी में भी एक खास अरेंजमेंट की गई है, छठ व्रतियों के लिए एक सुविधा दिया गया है और काफ़ी अच्छे तरीके से स्विमिंग पूल को ही नदी बना दी गई है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरा फ्लावर से डेकोरेट कर दिया गया है। काफ़ी बड़े एरिए में छठ व्रतियों को बैठने के लिए पूरा अरेंजमेंट है। यहाँ पर एक खूबसूरत तरीके से लाइटिंग भी व्यवस्था की गई है, ताकि रात में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और इसके अंदर सारे खाने पीने के अरेंजमेंट है, और ख़ासकर आज रात में तो काफ़ी सारे लोग आएंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। वेट कर रहे हैं शाम का, ताकि सारे छठ व्रती लोग आना शुरू हो जाएं, फिर आपको हम अच्छे तरीके से दिखा सकें। तो बने रहिए ब्लॉग में। बोलिए छठ माता की जय। छठ माता की जय। तो हमारी पूरी फौज फाइनली छठ घाट की तरफ निकल चुकी है। ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी दूर है, 2 से 3 मिनट के अंदर पे हम छठ घाट पे पहुंच जाएंगे। तो छठ घाट के करीब हम पहुंच चुके हैं। सर ब्लॉग आपका देखा था मैंने। देखा था दिवाली का। अच्छा, बहुत अच्छा बना था। छठ का भी देखूंगा। हाँ, छठ का भी आएगा यूट्यूब पे ना। हाँ, तो फाइनली हम अपने छठ घाट के करीब पहुंच चुके हैं, और एक खूबसूरत नज़ारा, अद्भुत। Yeah.
पापा जी कहाँ है पापा? विशु विशु बाबू क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है? बड़ा ही कठिन है यह छठ पूजा। पुत्र के लिए माताएं सूर्य का धन्यवाद करती हैं। हे भगवान, जिस प्रकार आप पूरे संसार को प्रकाश दे रहे हैं, अपनी कृपा सदा बनाए रखें। चार दिन वाला ये कठोर व्रत इतना आसान नहीं है। इसमें पवित्रता, भाव, शुद्धता, तपस्या, दया सब भरा हुआ है, जो समाज के सभी वर्गों को एक समान दर्जा देता है। यहाँ ना जाति है ना धर्म, बस प्यार और आदर है, है ना अद्भुत? तैयार कर लिया? तैयार कर लिया? बॉन्डिंग चाहिए होगा ना? बॉन्डिंग बॉन्डिंग
आपको ऊपर से नज़ारा दिखाता हूँ कि नीचे सारे जो अरेंजमेंट हुई है वो कैसे हुई है और इतने सारे लोग कैसे लग रहे हैं, तो आइए दिखाता हूँ। काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अद्भुत है, और ये नज़ारा भी पीछे का आपको बैकग्राउंड में काफ़ी अच्छा दिख रहा होगा। ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतों के बीच आज हम अपने गांव को मिस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है सो है। तो आज की अद्भुत शाम समाप्त हो गई है, यानी कि सूर्य जो अस्त हुआ है उसकी हमने पूजा कर ली। तो कल सुबह हम उगते हुए सूरज की पूजा करेंगे, और इस टाइम पे हम अपने गांव की याद आ रही है। वहां का नज़ारा कुछ और ही होता था, बहते हुए नदी में सूर्य का अर्घ देना काफ़ी रोमांचित करता था, जो हम सालों से भूल चुके हैं। बट जहाँ हैं जैसे भी हैं वहीं छठ की पूजा करते हैं। छठ घाट के प्रथम दिन के बाद रात्रि में घर पे कोसी भरा जाता है, और हमने अच्छे से कोसी भरा और हमने खुशी जाहिर की। और इसमें जो भी चीज़ें यूज की जाती हैं मोस्टली ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, बेसिकली एक ऋतु फल है जो मिट्टी में मिल जाता है, कोई अवशिष्ट पदार्थ नहीं बचता इसका, तो ये महत्व है। वैदिक रीति रिवाज के अनुसार हमने हवन भी किया, आप देख रहे हैं कि हवन भी। तो इस प्रकार छठ पूजा का पहला दिन का जो सायंकाल वाला जो पूजा है वो पूरी तरह संपन्न हुआ। जय छठी मैया। कुछ लोगों का सहयोग रहा है तो उसमें हिमांशु जी का बड़ा योगदान है, क्योंकि इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है बहुत ही सराहनीय है।